एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। सभी यूजर्स को टास्क पे के विड्रॉल को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ यूजर्स ने बोला है कि उनको अपना गिफ्ट कार्ड मिल चुका है। आज की वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि टास्क पे के द्वारा विड्रॉल दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, और अभी तक आपको अपना गिफ्ट कार्ड रिसीव नहीं हुआ है तो कब तक फाइनली आपका गिफ्ट कार्ड रिसीव हो जाएगा। आज इस एप्लीकेशन की पूरी रियलिटी आपके सामने आने वाली है। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मिनिमम विड्रॉल $25 के गिफ्ट कार्ड से रखा गया है। यानी $25 को देखकर यूजर को लगता है कि 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और जब इसमें काम करने के बाद आपके पास $25 हो भी जाते हैं तब भी आप अपना विड्रॉल नहीं ले पाते हैं, क्योंकि $25 के गिफ्ट कार्ड को आउट ऑफ स्टॉक बता दिया जाता है। यानी फिर से आपके दिमाग के साथ खेला जाता है और इस तरह से आपके सामने अलर्ट आ जाएगा कि $50 या $100 का गिफ्ट कार्ड अवेलेबल है। इसलिए आप इसमें थोड़ा और काम करके $25 और बना लेते हैं, और जब आप अपने $50 या $100 के गिफ्ट कार्ड का रिडीम लगाते हैं तो आपका गिफ्ट कार्ड पेंडिंग में चला जाता है, और इसके 5-7 दिन बाद आपके गिफ्ट कार्ड को इन प्रोग्रेस में भेज दिया जाता है ताकि आपको इस एप्लीकेशन पर विश्वास हो। इस इन प्रोग्रेस वाले गिफ्ट कार्ड को देखकर आप थोड़ा और काम करने के लिए लग जाते हैं, फिर भी आपको रिडीम किए हुए 10 से 20 दिन हो जाते हैं, आपको विड्रॉल नहीं मिल पाता है। इस तरह से एप्लीकेशन वाले सिर्फ आपसे काम करवा रहे हैं, यानी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। हो सकता है और ज्यादा फ्रॉड करने के लिए 1-2% लोगों को विड्रॉल मिल भी जाए। कुछ लोगों ने मेरे पास भी पेमेंट प्रूफ भेजा था जो कि पूरी तरह से फेक पेमेंट प्रूफ था, इसलिए अभी तक किसी को भी विड्रॉल नहीं मिला है। अगर किसी को विड्रॉल मिला है तो मुझे कमेंट कर देना, और अगर आपको पेमेंट प्रूफ नहीं मिला है तो प्ले स्टोर पर जाकर अपना फीडबैक जरूर दे देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।